बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फोर लूप के प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। फोर लूप का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने देखा था कि लूप्स क्या हैं, जब हमने रिपीटेटिवली कोई स्टेटमेंट, किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को प्रिंट कराना होता है या किसी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करना है तो हम लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और उसमें हम लोगों ने वाइल लूप और डू वाइल लूप को देखा, और हम लोगों ने वाइल लूप का प्रैक्टिस प्रोग्राम्स भी सेपरेटली देख लिया। और आज हम देखेंगे फोर लूप को यूज़ करते हुए, हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें प्रॉब्लम क्या है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या है जी, 1, 4, 7, 10, 13 से 14 तक आप लोगों ने ये सीरीज प्रिंट करानी है यूजिंग फोर लूप। ठीक है जी, फोर लूप को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये वाली एक सीरीज प्रिंट करानी है। अगर आप इस सीरीज को देखें तो ये एवरी टाइम हमारे पास क्या कर रहा है, 3 का इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है जैसे कि ओके, ये कर क्या रहा है, अगर मैं 1+3 करूं ठीक है तो मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, पहली दफा आपने 1 ले लिया, और उसके बाद जब मैं जो दूसरी टाइम्स आया है उसको 4+3 करूंगी तो मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक हो गया, और जब मैं 7+3 करूंगी तो मेरे पास 10 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। 10+3 करूंगी तो मेरे पास 13 आ जाएगा, और ये सीरीज 40 तक इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास एक ये है, ठीक है, कोई चीज इसकी जगह पे आनी है, ठीक है, और कोई वेरिएबल जो के एक इधर हमें कोई वेरिएबल चाहिए, एक हमें यहाँ पे कोई वेरिएबल चाहिए, और एक हमें कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो इनका काउंट चलाए, यानी इसे काउंट को चलाता जाए। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस और प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा इंट, एक वेरिएबल ए जिसको इनिशियली मैंने क्या करना है, इनिशियली मैंने उसे 1 असाइन कर दिया। ठीक हो गया, और एक मेरे पास वेरिएबल ले लेती हूँ जो लूप चलाएगा, एक चलें इसको बाद में ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंक्रीमेंट का, जो किसका इंक्रीमेंट दे रहा है एवरी टाइम 3 का, तो इंक्रीमेंट इज इक्वल्स टू 3 कर देते हैं यहीं। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे आई, जो कि क्या चलाएगा, लूप को काउंटर चलाएगा आपका, कि एवरी टाइम आपका नेक्स्ट उस पर मूव करना। तो आते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में द सीरीज इज एज फॉलोस। ठीक हो गया, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बाद लगाते हैं फोर लूप। फोर लूप का काउंट कहाँ से चलेगा, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, और मेरे पास जो ए है वो लेस देन एंड इक्वल टू 40, क्योंकि ए की लिमिट ए ने कहाँ तक जाना है, ए ये एक वेरिएबल है, ठीक है, ये वाला ए है, और इसकी ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, दिस इज योर ए, ठीक है, और ये ही ए एवरी टाइम जो है नेक्स्ट के लिए इनपुट बन रहा है, ये ए मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 40 तक, ठीक है, ए में ही आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपके ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास ए की लिमिट क्या हो जाएगी, 40, और उसके साथ ही लूप में इंक्रीमेंट करते रहना है। और आ जाते हैं लूप के अंदर,
और लूप के अंदर जब हम आएंगे तो हमने क्या करना है, सी आउट करवाना है। किस सी आउट क्यों कराएंगे, हम प्रिंट एफ करेंगे क्योंकि हम सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। प्रिंट एफ करेंगे हम लोग परसेंटेज डी, और क्या प्रिंट एफ कराना है हमने, ए प्रिंट एफ कराना है। और इसके बाद स्पेस, क्योंकि एवरी टाइम यहाँ पे हमारे पास एक स्पेस है, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस आ गई और ये ए इसमें चला जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया, और उसके बाद हमने लगाया है ए इज इक्वल टू ए प्लस इंक्रीमेंट। ठीक हो गया, ऐसे ही है, ये काम कर रहा है। दिस इज योर ए, दिस इज योर इंक्रीमेंट, और ये रिजल्ट जो है किसमें स्टोर होगा, अगेन आपका ए में स्टोर होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे अब लूप को चला के देखते हैं, रन कर लेते हैं पहले। रन करने के बाद दोबारा से इसकी तरफ आते हैं और अपने सारे एनोटेट्स ड्राइंग्स को क्लियर करते हैं। अब आते हैं हम प्रोग्राम रन करने की तरफ। प्रोग्राम रन नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इंक्रीमेंट के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाए। जी, तो आप देखें आपके पास ये सीरीज प्रिंट हो गई है। सीरीज देख लेते हैं, ये सीरीज आपकी प्रिंट हो गई है सारी। अब ये सीरीज प्रिंट कैसे हुई है ज़रा ये भी देख लेते हैं। 1, 4, 7, 10, 13 एवरी टाइम 3 ऐड हो रहा है और 40 तक ये चल रहा है। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं, हो क्या रहा है, लूप चल कैसे रहा है। लूप आपका चल रहा है बेटा, पहली टाइम ए इज इक्वल्स टू 1 था, ठीक है, जो कि लेस देन 40 था, अंदर आया और उसने ए को प्रिंट करा दिया, यानी कि ए क्या हो गया, आपके पास 1 आ गया। इस टाइम ए में आपके पास क्या है, 1। और उसने क्या किया, आगे उसने 1 प्लस, यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट थी, ए प्लस इंक्रीमेंट इसमें क्या आया, 1 प्लस 3, और ए में क्या स्टोर हो गया, ए में स्टोर हो गया 4। ठीक हो गया, और इसके बाद लूप बाहर निकला और स्टेटमेंट 2 हो गई थी, इसके कंप्लीट होने में आई का काउंट बढ़ा, आई इज इक्वल टू 2 हो गया, और आपका ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 थी। अगेन कंपेयर हुआ, 4 इज लेस देन 40, लूप के अंदर चला गया और 4 प्रिंट करा दिया उसने। दूसरी दफा उसने क्या प्रिंट कराया, 4 प्रिंट करा दिया, और 4 प्रिंट करा दिया, और उसके बाद उसने क्या किया, दोबारा से ए में इंक्रीमेंट किया, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहा तब तक जब तक ए की वैल्यू कहाँ तक नहीं चली गई, आपकी 40 तक हम लोग रीच नहीं कर गए। सो दैट्स हाउ इट इज रनिंग, के आपकी सिंपली क्या हो रहा है, आपके उस आपकी जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है एक उसमें लूप में, और एक जगह पे उस लूप का काउंटर चल रहा है और एक जगह पे आपका लूप में एक ही वैल्यू में इंक्रीमेंट किया जा रहा है विद द वैल्यू ऑफ 3। सो दैट्स हाउ इट इज रनिंग। इसको क्लियर कर लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड था। हमें अच्छा, अब इसको ज़रा मैं सिंप्लीफाई करती हूँ मज़ीद, अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं फोर लूप, आप ऐसे भी चला सकते हैं, चलाते हैं, यू कैन सी इट इज स्टिल गिविंग यू आउटपुट। वो कैसे दे रहा है आप ये भी देख लेते हैं। आपके ये जो यहाँ पे जो आपका लूप का काउंटर इनिशियलाइजेशन होती है, वो आप
लूप के बाहर करा सकते हैं, लेकिन यू कांट मिस दिस सेमी कॉलन. दिस इज शोइंग कि आपकी ये स्पेस है. अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज इसे इग्नोर कर देती हूँ और सिंपल ऐसे लिख देती हूँ जिस तरह वाइल में हम कंडीशन रखते हैं, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. उसने आपको बता दिया कि देयर इज एन एरर, ठीक है, इस लाइन में आपका एरर है. अब इस एरर को आपको सेमी कॉलन लाजमी लगाने हैं. इसमें तीन कंडीशन होती है, एक होती है वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, एक होती है आप लोगों की वेरिएबल की कंडीशन, और दूसरी होती है वेरिएबल का अपडेट एक्सप्रेशन जो कि इंक्रीमेंट हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और वो भी हो सकता है आपका डिक्रीमेंट भी हो सकता है. तो इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह चलना है. आपने आई का काउंट लगा के चलाना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं और आपका प्रोग्राम रन होगा, और अगर आपने आई का काउंट लगाए बगैर सिंपली ए के साथ काम करना है तो तब भी आपका ये लूप काम करेगा. दैट्स हाउ इट इज रनिंग. आपकी वही 40 तक काउंट जा रहा है आपका. सो दैट्स व्हाट वी हैव फ्रॉम टुडेज लेक्चर. आई होप यू ऑल गेट दिस पॉइंट, और कोई इशू नहीं होगा आपको. इफ़ यू स्टिल फील देर इज एन इशू, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़.